मैं बात कर दोस्तों कि दोस्तों बिहार सरकार यूपी सरकार का नकल करता है। दोस्तों बिहार सरकार यह जानता है कि यूपी में वार्डों का बहुत ही महत्व होता है। यूपी सरकार में मुखिया जी को प्रधान बुलाया जाता है, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करें तो वार्ड सदस्य का बिहार में कोई मान्यता नहीं था 2022 से पहले, लेकिन जब से दोस्तों चुनाव हुआ है, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑर्डर दे दिया है, जी हाँ दोस्तों वार्ड का भी पावर मुखिया के बराबर होता है। जी दोस्तों तब से दोस्तों वार्ड का पावर बढ़ गया है और वार्ड भाई लोग को नल जल योजना बहुत सारे फंड आते नजर आ रहे हैं और वार्ड भाई लोग ज़्यादा मालामाल हो रहे हैं और पैसे कमाई हो रही है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्तमान में बहुत से ऐसे पंचायत हैं जहां पर नल जल योजना के तहत, उसके बाद 7 निश्चय के तहत दोस्तों बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, नली गली का काम दोस्तों, और बहुत सारे काम जो है दोस्तों फंड किए जा रहे हैं वार्ड सदस्य के द्वारा। तो दोस्तों बिहार में वार्ड सदस्य का पावर बहुत अधिक बढ़ गया है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऑर्डर भी दे दिए हैं, आदेश दोस्तों चुनाव से पहले ही। तो चुनाव जीतने के बाद जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनका पावर बढ़ गया, उनके अंतर्गत बहुत सारे फंड आ रहे हैं, बहुत सारे काम आ रहे हैं दोस्तों, जिसके सहारे वे जी रहे हैं और अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत की कार्यक्रम योजनाओं दोस्तों और ग्राम पंचायत के तय गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का अंजाम भी वार्ड सदस्य ही करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों जो नल जल योजना है, जो टंकी है उसमें खराबी की मरम्मत और 30 रुपये वसूली एक टंकी पर भी वार्ड सदस्य ही शामिल हो रहे हैं, उसमें भी उन्हें पैसे कमाई हो रही है। 6,000 रुपया जो है मंथली वे तहसील रहे हैं, जिसमें से उन्हें 3,000 या 4,000 रुपया बच रहा है। बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। यदि आप वार्ड हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने और देखने का प्रयास करें। सरपंच को तो 2,500 रुपया प्रति माह भत्ते मिलता है दोस्तों। सरपंच का भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा कि सरपंच के भी कार्य बढ़ गए हैं, सरपंच साहब के कौन कौन से फंड आ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वार्ड सदस्य के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, तो वार्ड सदस्य के बारे में सुनिए, ठीक है। चलिए, वार्ड सदस्य सीधे जो है मुखिया से हस्तक्षेप कर सकता है, मुखिया से बातें कर सकता है, मुखिया जी से फंड भी मांग सकता है। यहां तक अगर मुखिया जी फंड नहीं देते हैं, अगर काम आ गया पंचायत में मुखिया जी फंड नहीं देते हैं, ब्लॉक में वीडियो साहब से सीधे शिकायत भी कर सकते हैं दोस्तों वार्ड सदस्य। इतना भी पावर वार्ड सदस्य के पास हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है, बिहार में जो वार्ड सदस्य उनका पावर बढ़ गया है और वार्ड सदस्य को बहुत सारे काम आ रहे हैं और लाखों करोड़ रुपये का फंड आ रहा है दोस्तों, जिसमें से वार्ड सदस्य जो है काम करते नजर आ रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं और पैसे कमाई हो रही है दोस्तों। आप जानते हैं वार्ड सदस्य हो चाहे मुखिया हो सरपंच हो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में वार्ड और मुखिया का जो चुनाव है खर्चीला हो रहा है। और बिहार में आप जानते हैं चाहे बिहार हो या यूपी हो या अन्य राज्य हो दोस्तों, चाहे झारखंड हो, पूरी तरह से चुनाव खर्चीला हो गया है। अब मैं बात करूं झारखंड वार्ड सदस्यों के, झारखंड में जो नियम बिहार में लागू है वही नियम झारखंड में भी लागू है। झारखंड में भी नली गली हो, नल जल योजना हो, टंकी खराबी हो, चाहे मान लीजिए पंचायत में सौर ऊर्जा लगवाना हो, उसमें भी वार्ड सदस्य जो है ज़्यादा जो है फायदा उठा रहे हैं और वार्ड सदस्य जो है काम काज को आगे बढ़वा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यही सब पावर है वार्ड सदस्य का। तो दोस्तों यदि आप वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, यदि आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये सब छोड़िए और सीधे अपने ब्लॉक में पता कीजिए और सीधे अपने मुखिया से मिलिए और अपना काम को मांगिए और कीजिए और फंड को फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यही 5 साल मौका है दोस्तों। 5 साल के लिए ही वार्ड और मुखिया बने हुए हैं, चुने हुए हैं, तो आप लोग 5 साल में ही जो है कि पंचायत का सेवा करके कुछ लाभार्थी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद लगा होगा और वार्ड भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, आप लोग सीधे ब्लॉग में पता करके, फंड का पता करके काम काज में आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें मनरेगा कार्य हो, नरेगा कार्य हो दोस्तों, बहुत सारे काम आते हैं वार्ड सदस्यों के लिए और मुखिया जी के लिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।